हेलो, दिस इज कफील और अमन। वेलकम बैक टू कैंपस वाला यूवर्स ऑफ ऑल कॉलेज क्वेरीज। आज हम बात करने वाले हैं जगदीत सेठ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जगसॉम्स बैंगलोर के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट के पास क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो हमने सोचा इसका वीडियो बना ही देते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके कट ऑफ के बारे में, इसके प्लेसमेंट के बारे में, इसके एडमिशन के बारे में, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कोर्सेज के बारे में। तो ऐसा एंड तक वीडियो में बने रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So Jagsoms, Jagdish Seth of School of Management, was established in 1995. It is accredited by ACCSB, affiliated by AICTE, SAQS. So काफ़ी अच्छा accreditation और affiliation है, attractive तो है काफ़ी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के कौन कौन से courses हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है PGDM, जिसमें आपको मार्केटिंग मेजर मिल जाता है, देन PGDM इन फाइनेंस, PGDM इन बिजनेस एनालिटिक्स, PGDM HRM एंड PGDM एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी लगभग फीस कितनी और कितनी सीट्स हैं यहाँ पर। तो PGDM कोर्स के अंदर आपको 120 सीट्स मिल जाती हैं, जिसकी पूरी ओवरऑल फीस जो है वो है 15.95 लाख, मतलब लगभग 16 लाख की फीस है। देन दे हैव PGDM मार्केटिंग 60 सीट्स, इसकी भी लगभग 16 लाख ही फीस है। देन दे हैव PGDM फाइनेंस, इसमें भी 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स, 16 लाख इसकी भी फीस है। देन दे हैव PGDM बिजनेस एनालिटिक्स, अगेन इसकी भी 60 सीट्स है और 16 लाख ही फीस है। देन दे हैव PGDM HRM, तो इसमें 30 सीट्स हैं, अराउंड 16 लाख की ही यहाँ पर भी फीस है। और PGDM एंटरप्रेन्योरशिप में भी इनके पास 30 सीट्स हैं और उसकी भी फीस अराउंड 16 लाख है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि जो ओवरऑल फीस है यहाँ पर, उसके अंदर आपको बोर्डिंग और लॉजिंग दोनों ही यहाँ पर मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, 16 लाख के अंदर आपको बोर्डिंग, लॉजिंग और जितनी भी प्रोग्राम फीस है सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो मेरिट के बेसिस पर ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो एक और प्लस पॉइंट हो जाता है टॉपर्स के लिए। अब हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। तो PGDM प्रोग्राम के लिए कौन कौन से एग्जाम्स एक्सेप्टेड है, कैट, जैट, जीमैट, मैट, सीमैट और जैकमैट। जैकमैट इनका जगसॉम्स मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो ये भी आपको इसके बाद देना पड़ेगा, एग्जाम्स के बाद देना पड़ेगा आपको। अच्छा, कैट इन सब का जो कट ऑफ है वो 75% है, परसेंटाइल है, 75% है। तो आसानी से आप यहाँ पर एडमिशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर 75 से नीचे है आपका, 60 के ऊपर है, तो वी आर रिकमेंडिंग कि आप इसमें ज़रूर ट्राई करें। हो जाएगा, कॉल आ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं कि कॉल नहीं आता, ट्राई ज़रूर करिए, बिल्कुल कॉल आ जाएगा। तो इसके बाद आपको वैसे भी जैक मैट देना ही है, जो जगसॉम्स मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस में यही बात है कि जैक मैट के अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रोसेस है एडमिशन की वो देखनी पड़ेंगी, जिसके अंदर अराउंड ग्रुप एक्सरसाइज है, पोस्ट एंड इंटरव्यू के दो राउंड रहेंगे, जिसके अंदर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट, फैकल्टी मेंबर और एक एलुमनाई के साथ बैठकर आपकी गुफ्तगू होगी, पोस्ट इंटरव्यू होगा। तो दो राउंड है पोस्ट एंड इंटरव्यू के। अच्छा, जो आपका फर्स्ट राउंड रहेगा जैक मैट का, उसका जो स्कोरिंग लाइन है वो 75 है, और हर सेक्शन में अराउंड 25 मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मिनट्स का जैक मैट का टेस्ट रहेगा आपका। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। हर सेक्शन जो है वो 25-25 मार्क्स का है, ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रुप एक्सरसाइज है, पर्सनल इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू के दो राउंड रहेंगे। तो इस हिसाब से आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो रहेगी। अब हम बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। इनका जो हाईएस्ट पैकेज दिया आया था 2023 का वो था 85 LPA, और जो एवरेज पैकेज है वो लगभग 13.3 LPA गया है, और ओवर 50% PPOs जो ऑफर कर गए थे वो स्टूडेंट से रिसीव करे। कौन कौन सी जगहों पर थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, NBFC, बैंकिंग सेक्टर एटसेट्रा, ये जो सेक्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव इनसाइट थी जो मुझे आपको बतानी थी, और 3 to 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको इंटरनेशनल ऑफर्स भी मिले हैं, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहा, तो मैं सोचा कि आपको इस बारे में बता दूं। और 100 से ज़्यादा रिक्रूटर्स इनके प्लेसमेंट के टाइम पर आए थे, जिसके अंदर विप्रो भी रहा और इलेक्ट्रिक जो कंपनीज है, जिसमें शाइनाइडर जो है वो काफ़ी रिनाउंड कंपनी है, तो इलेक्ट्रिक कंपनीज भी काफ़ी आई थी, SAP लैब्स, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, फेडरल बैंक और बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादातर रहे थे इनके रिक्रूटमेंट में।
यहाँ के प्लेसमेंट की बात है। अच्छा, हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल के रिव्यूज भी बहुत ज़बरदस्त हैं। स्टूडेंट्स बहुत तारीफ कर रहे थे कि हॉस्टिंग और लॉजिंग बहुत ज़बरदस्त है, इनकी फैकल्टी भी काफ़ी मददगार है, पढ़ाई करना कुछ प्रेशर नहीं आता है, असाइनमेंट्स भी ठीक ठाक देते हैं, तो रिव्यू वाइज काफ़ी अच्छा है और कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं है। कैट का 75% है, तो आप इसमें बिल्कुल एनरोल करें, बिल्कुल आप इसको ट्राई दें। बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आपका 75 से कम भी है तो आप कर सकते हैं, ईजी है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। आप एडमिशन लेने के लिए इजीली हो सकता है अगर आप ट्राई करें, और ट्राई बिल्कुल करिए। देखिए 60% के ऊपर अगर आपने स्कोर करा है तो ज़रूर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके जहन में सवाल हो, कोई भी आपको डाउट हो रहा हो, तो हमारे काउंसलर का नंबर आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे काउंसलर का नंबर मिल जाएगा, हमसे कॉन्टैक्ट करें। कोई भी सवाल हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हमें बिल्कुल बेझिझक कॉल करें, हमारे काउंसलर आपके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए रेडी है। अगर बिजी है तो बिल्कुल फ़ौरन कॉल आ जाएगा, आपको कॉल बैक वो लोग कर देंगे, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और अगर आपको कोई भी ऐसे सवालों के जवाब चाहिए हो, आपको कहना हो कि आप इस कॉलेज के बारे में बताइए, तो बिल्कुल हमें आप कमेंट बता सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उस कॉलेज को लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अंटिल देन सी यू सून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।